हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी के बारे में। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यह हमारे यूज होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, तो इसको बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो देखते हैं। बाइट स्ट्रीमिंग, ठीक है, यहाँ पर जो बाइट स्ट्रीमिंग है इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा एप्लीकेशन लेयर से आता है तो वह कंटिन्यूअसली फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा कितना भी आ सकता है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसको हमारे एक बिट होती है उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके, यानी कि बिट कलेक्शन ऑफ बिट इज कॉल्ड बाइट। ठीक है, और फिर उन बाइट्स को क्या करती है, सिगमेंट में फिट कर देती है। सिगमेंट में फिट करने के बाद क्या करती है, उसको आगे नेटवर्क लेयर को सेंड कर देती है। ठीक है, तो ये काम किसका है, अपना ट्रांसपोर्ट लेयर का, यानी कि टीसीपी का। अब बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ये है कि जो टीसीपी है हमारा ये क्या है, रिलायबल है, और जो यूडीपी होता है वो क्या होता है, अनरिलायबल। तो रिलायबल का मतलब क्या है कि सेंडर ने जो डेटा भेजा है वह 100% यह फिक्स है कि वह रिसीवर के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और हम इसमें बात करें तो यह कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन कैसे क्रिएट करता है, यह कनेक्शन सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में थ्री वे हैंड शेकिंग करते हैं, तब जाकर क्या होता है, कनेक्शन क्रिएट होता है। और हमारे जो यूडीपी था यानी कनेक्शन लेस था, उसमें कनेक्शन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो टीसीपी है यह फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करता है। इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे दो डिवाइस है, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी आपस में एट ए वन टाइम आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि उसी समय पर जो हमारा डिवाइस ए है वो बी को डेटा भेज सकता है और जो बी है वो ए को डेटा भेज सकता है। ठीक है, अब फोर्थ वाला हमारा पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग का क्या मतलब है, पिगी बैकिंग का मतलब है कैन बी इंसर्ट डेटा इनटू एक्नोलेजमेंट। यानी कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई डेटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्नोलेजमेंट भेजते हैं। लेकिन अगर हम एक्नोलेजमेंट के साथ डेटा भी भेजें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम इसलिए इसमें क्या यूज करते हैं, पिगी बैकिंग का। और जो टीसीपी है वो एरर कंट्रोल को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, अब फ्लो कंट्रोल की बात करें तो फ्लो कंट्रोल हमने पढ़ चुका है पहले, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ चुका है हमने। अब बात करते हैं कंजेशन कंट्रोल, ये भी हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ चुका है। तो अब आगे इसका टीसीपी का हेडर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो आता है यहाँ पर क्या आता है, सोर्स पोर्ट। अब इसमें अब हमने अभी तक देखा है कि जितने भी हमने हेडर पढ़े उनमें क्या आ रहा था, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। इसका मतलब था कि वो सिर्फ किसी एड्रेस को फॉलो करते थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारी वो किसको फॉलो करती है, पोर्ट को, यानी कि पर्टिकुलर किस एप्लीकेशन को वो मैसेज सेंड करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट का। अब बात करते हैं सिक्वेंस नंबर क्या होता है। सिक्वेंस नंबर में हम बात करते हैं कि जब हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एप्लीकेशन से आई हुई डेटा को जब सिगमेंट्स में क्या करती है, उसको डिवाइड करती है या सिगमेंट्स में उनको डिस्टर्ब करती है, तो उन सभी सिगमेंट्स को हमें एक पर्टिकुलर नंबर देना होता है जिससे कि रिसीवर उसको वापस से उसी सिक्वेंस में एडजस्ट कर सके। ठीक है, और अब बात करते हैं एक्नोलेजमेंट नंबर की। तो जैसे सिक्वेंस नंबर होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक्नोलेजमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ भी क्या होता है कि कहाँ तक का हमारा डेटा आ गया है उसकी एक्नॉलेजमेंट कौन भेजता है, रिसीवर भेजता है सेंडर। ठीक है, अब बात करते हैं हेडर लेंथ। हेडर लेंथ हमारा कितना होता है, 4 बिट का। ठीक है, और हमारा जो ये एक्स्ट्रा जो ये दिख रहा है ना क्रॉस, इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा ये गार्बेज वैल्यू जो कि कभी फ्यूचर में काम आ सकती है। ठीक है, ये पहले से रिजर्व रखी हुई है, इसमें कभी भी काम आ सकती है। अब ये अर्जेंट है, अर्जेंट ये बेसिकली है क्या, ये यू आर जी ए सी के पी एस एच और आर एस टी एस वाई एन एफ आई एन, ये बेसिकली ये सारे के सारे क्या हमारे फ्लैग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंट फ्लैग यानी कि यू आर जी। इसमें क्या होता है, अगर हमारा डेटा हमारा जो डेटा है उसमें कुछ पार्ट है, डेटा का कुछ पार्ट है अगर अर्जेंट है तो हम इसको क्या सेट कर देंगे, ओपन। अगर अर्जेंट नहीं है तो इसको क्या सेट कर देंगे, जीरो। ऐसे ही ए सी की बात करें, अगर हम जैसे ही हमारा डेटा जाएगा अगर हम उसकी एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे, अगर हम उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0। तो उसकी बात करें पी एस एच, इसका मतलब है पुश।
उसमें क्या है कि बेसिकली जो हमारा बफर, अगर जैसे सेंडर ने डेटा सेंड कर रहा है और हम चाहते हैं कि जो डेटा सेंडर ने सेंड किया वह बफर में इकट्ठा होकर एक साथ हमारे पास रिसीवर को क्या हो, सेंड हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, जीरो। अगर हम चाहते हैं कि बफर में जैसे ही डेटा आए वैसे ही रिसीवर को पहुंच जाए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वन सेट कर देंगे इसको, ठीक है। और RST का मतलब है कि जो भी हमने काम किया उसको वापस से रीसेट करना, ठीक है। और सिंस का मतलब क्या, सिंस का मतलब है कि जो हमारा डेटा है वह, यानी कि जो हमारी सिगमेंट्स वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। SYN सिंस, इसका मतलब क्या है, हमारा जो डेटा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और FIN यानी कि फिनिश, हमारा जो डेटा था जो सिगमेंट था वो क्या हो गया, यहाँ पर फिनिश हो गया। और विंडो साइज क्या होती है, विंडो साइज में हम बताते हैं जो रिसीवर है उसकी डेटा एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, ये हम सेंडर को बताते हैं, ठीक है। यानी कि हम सेंडर को ये बताते हैं कि जो रिसीवर है उसकी एट अ टाइम जो हमारे पैकेट्स है वो कितने एक्सेप्ट कर सकता है, और पर्टिकुलर पैकेट्स कितने साइज का एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये हम बताते हैं विंडो साइज में। बात करते हैं चेकसम, ये हमारे वही एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती है, तो TCP चेकसम को भी यूज करता है। अर्जेंट पॉइंटर, यानी कि वही बात आ गई, यहाँ पर ये फ्लैग था और ये क्या हमारा एड्रेस यानी कि पॉइंटर, तो ये बताता है कि जो हमारा पूरा डेटा है उसमें कितना पार्ट यानी कौन से एड्रेस पर जो डेटा रखा हुआ है अर्जेंट, ठीक है। ऑप्शन एंड पैडिंग ये हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, इनको यहाँ पर लिखने से भी कोई फायदा नहीं, अगर इनको यूज करना चाहते हैं तो हम इनको यूज ले सकते हैं, बाकी ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।